सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब, लोगों का ये हुजूम, ये जोश, ये जुनून, तस्वीरें वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रोड शो शुरू करने से पहले प्रियंका ने लंका चौराहे पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई। पूर्वी यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए वोट मांगने पहुंची थी। रोड शो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वाराणसी के 80 घाट से जैसे जैसे काफिला बढ़ता गया, लोगों की भीड़ चलती गई। मई को यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें वाराणसी सबसे हाई प्रोफाइल है। वाराणसी के सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदोलिया में भी प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। अजय राय की उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले प्रियंका गांधी के पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें थीं, लेकिन पूरे प्रदेश में प्रचार की जिम्मेदारी होने के चलते प्रियंका गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला भी बोला। वाराणसी के विकास, गंगा की सफाई, मंदिरों में तोड़फोड़, बेरोजगारी के मुद्दों पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने काशी को जापान के शहर क्योटो जैसे बनाने का वादा किया था। 5 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। वाराणसी की जंग में कांग्रेस के अजय राय का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और गठबंधन की उम्मीदवार शालिनी यादव से है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के चलते बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। वाराणसी से विनित दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।